बलरामपुर जिले की कुसमी विकासखंड में शिक्षकों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक आए दिन शिक्षा के मंदिर में शराब पार्टी करते हैं, जिसके चलते उन्होंने शिक्षा विभाग से कार्यवाही की मांग की है। वही ग्रामीणों की शिकायत पर बीईओ ने पंचनामा बनाकर जाँच शुरू कर दी है। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की घटना बलरामपुर जिले की कुसमी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम तरैनी की है, जहां ग्रामीणों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में पदस्थ कुछ शिक्षकों पर स्कूल परिसर में शराब पार्टी करने का आरोप लगाया है। जैसे ही स्कूल परिसर में शिक्षकों द्वारा शराब पीने की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल में शराब पार्टी करेंगे तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर होगा। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग में शिकायत कर दोषी शिक्षकों पर कार्यवाही करने की मांग की है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं, यहाँ मैं ग्राम पंचायत तरैनी में खड़ा हूँ, आदिम जाति कल्याण विभाग प्राथमिक शाला तरैनी में। यहाँ के लोगों का आरोप है कि टीचरों के द्वारा यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ लोग अच्छे अच्छे चीज़ों के जगह में शराब और हरिया दारू मुर्गा ला के कहीं ना कहीं मतलब बनवा के खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। मैं यहाँ ग्रामीणों से मैं बात करना चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा मैं कि इधर कैमरा को फोकस करेंगे। जी सर, मैं दुर्गावती, मेरा नाम दुर्गावती है, मेरा समूह का नाम है पायल समूह और मैं पुस्तक संचालक हूँ। वहाँ गनबाड़ी में भी कुछ शिकायत है, गनबाड़ी कार्यकर्ता वो रोज नहीं आते हैं बच्चों को खाना बनाने के लिए, खाना बना खिलाने के लिए वो रोज नहीं, कभी भी आते हैं तो बस यहाँ का शायद खाना खाते हैं, वहाँ नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ के टीचर सुनने में लोग आरोप लगा रहे हैं कि दारू नशा उशा कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसी समय क्या कहेंगे आप? जी सर, हम लोग उस दिन आए थे, परसों दिन आए, परसों दिन आए थे तो वहाँ उस रूम में पिलाया जा रहा थी सर, किचन रूम में। चलिए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी सर कि यहाँ जो शराब सेवन करते हैं वो टीचर को यहाँ से तत्काल हटाया जाए और दूसरा टीचर यहाँ पर व्यवस्था किया जाए और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जाए। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा और इनके मन में क्या चल रहा है, मैं इधर भी कैमरा मैन से निवेदन करूँगा कि मदद करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं टीचर लोगों के बारे में? शर्मा रहे हैं, कैमरा के सामने बात नहीं करना चाहते हैं। मैं इधर निवेदन करूँगा, ये मैं इधर बात करना चाहूँगा इधर लोगों से, ये लोग क्या कर, क्या इनका मनसा क्या है, ये जानकारी लूँगी। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ उनके जगह पे दूसरा शिक्षा का व्यवस्था किया जाए तत्काल में। जैसे टीचरों के ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाए हैं नशा पानी का सेवन करने के लिए, जितने भी का स्तर जितने भी हम लोग आरोप लगाए हैं वो सत्य है। तो मैं ठीक है, मैं अपने सिद्धार्थ सर कौन है मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये थोड़ा सिद्धार्थ सर कहाँ तरफ है, थोड़ा हमको बताएंगे आप लोगों का? बैठ देखिए, बैठ नहीं, देखिए पीटीसी चल रहा है, आपको जवाब को देना होगा, इसलिए कि लोगों का आरोप है कि आप नशा पानी का सेवन करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें आप क्या? बैठ नहीं, बैठ सर, देखिए भागते कैमरा के सामने भागते नजर आ रहे हैं। बच्चों से बात करना चाहता हूँ, चलिए चलिए ठीक है, बच्चों के साथ बच्चों से बात करना चाहता हूँ। लेकिन त्रुटि समझ में आ रहा है, इसलिए कि माइक के सामने कैमरा के सामने भागते नजर आ रहे हैं सर। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि सर बोल रहे हैं तो बच्चों से आप बात कर लीजिए, है ना? तो बच्चे आ गए हैं, मैं बच्चों लोग के करीब में हूँ, बच्चे लोग से मैं पूछता हूँ हकीकत में है क्या चीज। क्या नाम है बेटा? रीना। कौन क्लास पढ़ती है? सातवीं। तो क्या यहाँ सर लोग दारू की क्या कहते हैं? यही बैठ कर पीते हैं? यही कभी कभी पीते हैं। तो नशा का सेवन करके क्या टीचर लोग आते हैं बाबू? नशा करके नहीं आते, नशा करके नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लेके आते होंगे तो नहीं पता चलता होगा। क्या गुड़िया, तेरा क्या नाम है? तो क्या सभी लोग बोल रहे हैं कि टीचर लोग यहाँ बैठ के दारू और पीते पकड़े गए हैं? सही बात है, सही बात है। कौन कौन टीचर लोग पीते हैं? दयाशंकर सर, दयाशंकर सर और सिद्धार्थ सर, है ना? और एक साल पढ़ना चाहते तो दूसरा
या तेरा नाम क्या है? मनीषा। तो यहाँ लोगों का आरोप है कि टीचर लोग दारू वरू बैठ के पीते हैं, पी के भी जाते हैं, क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, क्या सही है बताओ? पीते हैं, चिकन बनता है तो मंगवा के पीते हैं। मेरा नाम धीनेश्वर सिंह है, एक रैनी है पंचायत लेरीमा। मामला यह है सर कि यहाँ का शिक्षा शिक्षक लोगों का जो है शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बात ऐसा है कि यहाँ मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ और कई दफ़े मना भी कर चुका हूँ। सिद्धार्थ सर को भी हिंट दिया था मैंने कि भाई ये शिक्षा मंदिर है, विद्या का मंदिर है, यहाँ शराब सेवन करना उचित नहीं है, लेकिन भी आज तक इन लोग माने तक नहीं, वही करते हैं डेली का डेली। जब भी कुछ हुआ कहीं से मुर्गा ले आएंगे, कहीं से मछली ले आएंगे और खाली वही शराब का सेवन करेंगे, मतलब मनमानी तरीके नाराज चला रहे हैं, ना तो शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं, ना तो कोई ऐसा विचार विमर्श दे रहे हैं बच्चों को। सर ये तो वास्तव में बच्चों का भविष्य पर ही खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि इन शराब सेवन करने वाले टीचरों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। साल हो गया जब से आए हैं यहाँ, तब से खाली यही कर रहे हैं लोग। अगर पूछ लीजिए सिद्धार्थ सर को, मैं अगर एक दिन नहीं बोला था उनको, यही स्कूल में हम लोग बैठे थे उस दिन, अर्जुन सर अधिकारी बन के आए थे हाई स्कूल में, कन्या हाई स्कूल के अर्जुन सर, उसी दिन मैं इन लोगों को चमकाया। ये गलत बात है यार, ये आप लोग मत करना। मेरा नाम लालमन सिंह है, यहाँ जितने भी पुराने टीचर हैं उन लोग बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए पता नहीं मनमाना काम करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। यहाँ स्कूल में आके उन लोग शराब पीते हैं, वही सबसे बड़ा परेशानी है हमारे गांव वालों को। क्या है कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चे लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ शिक्षा की जगह शराब पिलाया जा रहा है। भाई शिक्षक लोग पी रहे हैं, इसका मतलब बच्चे लोग भी पियेंगे। भाई शिक्षक जो ज्ञान देगा वही ना बच्चे लोग उसका मतलब अमल करेंगे, देखी जा रही है। हाँ, और टाइम का वैल्यू नहीं है इन लोगों के पास, सही समय पे नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, कभी 11:30 बजे आएंगे, कभी 12 बजे। भाई समय से स्कूल आना चाहिए। बाकी लोग बाकी स्टाफ ठीक हैं, केवल एक दो टीचर का ये शिकायत है, ये नौदालाल सिद्धार्थ और क्या नाम दयाशंकर सर। और एक चीज़ तो सर, हम लोगों को पूरे गाँव वालों को इनके जगह पर दूसरा शिक्षक का व्यवस्था कराया जाए यहाँ, ताकि शिक्षा का स्तर थोड़ा बना रहे, बेहतर हो सके। और लोगों से बना के पीते हैं, हो भी सकता है वो ले भी जाते हैं, ले भी जाते होंगे। चलिए। वही ग्रामीणों की शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया है और पंचनामे की कार्यवाही की है, साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कुसमी से जसीम खान की रिपोर्ट।